हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस ब्लॉग विद हैप्पी शर्मा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा उपाय जिससे आपकी लाइफ में आ सकती है हैप्पीनेस और आपके फेस में आ सकती है बहुत बड़ी स्माइल। मेरे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आई, बहुत सारे मैसेज कॉल आए कि आपने इतनी लास्ट टाइम जो रेमेडी बताई थी उनके बहुत ज़्यादा काम आई और बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने एक और उपाय मुझसे पूछा कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं और पैसों की बहुत दिक्कत रहती है और बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वो निकल सके इन चीज़ों से और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस वापस आ सके। सो उन सब के लिए, आप सब के लिए मैं ये बहुत अच्छा उपाय लेकर आया हूँ जिससे आपके लाइफ में हैप्पीनेस वापस लौट सकती है और आपको कर्जों से मुक्ति मिल सकती है और बहुत सारे पैसों की वर्षा हो सकती है। सो वो उपाय मैं आपको उसके साथ शेयर करना चाहूँगा। उस उपाय से बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है, बहुत लोगों का, तो मैं चाहूँगा आप लोग भी फ़ायदा उठा सके और अपनी लाइफ सुधार सके और अपने परिवार को बहुत अच्छी लाइफ दे सके। सो वो उपाय ये है, करता हूँ मैं आपको स्टार्ट बताना। आप देख रहे होंगे ये 20 का नोट, आपको बस यही नोट अरेंज करना है जिस ये नोट आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको करना ये है, मैं स्टेप वन से बताऊँ। सबसे पहले तो आपको दिन चुनना है फ्राइडे, और सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे, ना सैटरडे, ना संडे, ना मंडे, सिर्फ फ्राइडे ही ये उपाय है आपको जो काम करेगा। आपको क्या नोटिस करना है, पहला फ्राइडे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा आपको ये 20 का नोट, यही वाला, दूसरा नहीं खाली सिर्फ यही रेड कलर वाला 20 का नोट आपको कहीं से अरेंज करना है। और तीसरी चीज़ आपको एक लाल कलर का लिफाफा अरेंज करना है। तीन चीज़ मैंने आपको बता दी है, पहला मैंने आपको बताया एक फ्राइडे आपको सेलेक्ट करना है, दूसरा आपको ये 20 वाला नोट आपको अरेंज करना है, तीसरा आपको रेड कलर का लिफाफा, और चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपको टाइम जो आपको सेलेक्ट करना है फ्राइडे का, सुबह से सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक, 4 AM to 11:30 AM। ना इससे पहले आपको कुछ करना है ना इसके बाद करना है, इसी टाइम के बीच में आपको जब अच्छा लगे आप करो। सुबह 4 बजे करेंगे तो वाह, सोने में सुहागा वाली बात है, लेकिन मुझे पता है आजकल लोगों के लिए इतनी जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आपका टाइम मैंने 4 बजे से 11:30 बजे तक आपको बीच में आप कभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं। उपाय मैं बताता हूँ आपको, आपको चार चीज़ें आपने अरेंज कर लिया और सोच लिया, आपको उपाय करने से पहले आपको मैंने टाइम बता दिया। उपाय है बस आपको ध्यान रखना, बस नहाना जरूर है आपको, नहा के स्वच्छ होके सच्चे मन के साथ आपको ये उपाय करना है। और अगर उस दिन आप लाल कलर पहन लेंगे तो बस और ही वारे नियारे वाली बात है, माँ लक्ष्मी की कृपा होनी है होनी है। तो आपने नहा लिए, रेड कपड़े पहन लिए और ये आपको उपाय मैंने बता दिए, 20 का नोट और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, सुबह 4 बजे से सुबह के 11:30 बजे तक, और लाल लिफाफा, ये सब चीज़ें आपने अरेंज कर ली। अब उसके बाद आपको आपको मंदिर के सामने बैठना है और माँ लक्ष्मी जी की मूर्त के सामने बैठना है। हर किसी के घर में माँ लक्ष्मी जी की मूर्त होती होगी, दिवाली में पूजा होती है, और वैसे भी ऐसा कोई घर नहीं हो जहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान नहीं होगी, तो उनके सामने आपको बैठना है और ये 20 का नोट उनके चरणों में रख देना है और लाल लिफाफा उनके चरणों में रख देना है। रखने के बाद आपको जोत जलानी है, जोत जलाने के बाद माता लक्ष्मी को आपको जो फूल, आप लाल कलर के फूल और एक कमल का फूल जरूर लाएं। कोई भी अच्छा उपाय करना चाहो तो कमल का फूल जरूर रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी उसको देखते ही प्रसन्न हो जाती है, बहुत हैप्पी हो जाती है और अपने भक्तों पर कृपा बना देती है बहुत अच्छी वाली, इसलिए कमल का फूल आपको साथ पूजा के टाइम रखना है। रख दिया आपने, उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है। ये पूरी प्रक्रिया, जैसे जब आप आरती जैसे आपने स्टार्ट कर दी, प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, तो आपको पूरे मन में, जब तक प्रक्रिया आपका उपाय ख़त्म नहीं होता तब तक आपको ये मंत्र जाप करते रहना है, धनाय नमो नमः, धनाय नमो नमः, धनाय नमो नमः, वो बिल्कुल दिल से विद स्माइल करके पूरे पॉजिटिव होके माँ लक्ष्मी जी का सिमरन करते जाना है, धनाय नमो नमः, ये उनका फेवरेट मंत्र है, ये आपको करते जाना है। आप आरती, आप मैंने बताया वो आरती कर रहे हो मंत्र में, उनका धनाय नमो नमः आप जाप करते जा रहे हैं। आरती करने के बाद आपको लेना है तिलक, लाल कलर का तिलक लेना है, सिंदूरी या कोई और कलर का नहीं, आपको लाल कलर का ही लेना है। लाल कलर का तिलक आप लेंगे, वो तिलक लगा के माँ लक्ष्मी में लगाएंगे, माँ लक्ष्मी का वही फिंगर से वही तिलक, दोबारा नहीं लेना, वही तिलक जो माँ लक्ष्मी को टच कराया वही तिलक आप लगाएंगे 20 के नोट में, और वही तिलक आप लगाएंगे लाल लिफाफे में, याद रहे वही तिलक आपको लगाना है, दूसरा तिलक नहीं, दोबारा लेना नहीं, एक बार में वही तिलक आपको माँ लक्ष्मी जी पे लगाना है, वही तिलक से आपको 20 के नोट में लगाना है और लिफाफे में लगाना है। ये करने के बाद आपको 20 का नोट उठाना है, वो लिफाफे में डाल देना है,
और डालने के बाद माँ लक्ष्मी जी के चरणों में आओ, उसको रख देना। और बिल्कुल पॉजिटिव होकर आस्था विश्वास के साथ प्यार के साथ विद स्माइल के साथ आपको माँ लक्ष्मी जी को शुक्रिया अदा करना है कि माँ लक्ष्मी जी धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे खजाना दिया। और माँ लक्ष्मी बोलना कि आपकी कृपा से अब मेरे सारे कर्जे ख़त्म हो गए, होने नहीं है बोलना हो गए, आप ये सारे कर्जे ख़त्म हो गए और आपकी कृपा से मेरे पैसे की कोई तंगी नहीं है, अब से अब मेरे पास पैसा पैसा हो गया है और कोई दिक्कतें नहीं है। ये बिल्कुल पॉजिटिव होकर विद स्माइल करके माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहना है। ये करने के बाद आपको वो लिफाफा माँ लक्ष्मी जी के चरणों से लेना है, लिफाफा उठा के आपको घर की किचन में जाना है। किचन में आपका एक कंटेनर होगा जिसमें आप चावल रखते होंगे, उस कंटेनर में आपको अपना लाल लिफाफा छुपा देना है और उससे कभी कभी भी नहीं निकालना। आपको जब चावल ख़त्म हो उसमें और डाल दो, ख़त्म हो और डाल दो और बस उसके अंदर आपको रखना है। ये नहीं चावल में रखना है तो आप पतीले में रख के आप रूम में रख दो, कहीं रख दो, उसी में रखना है जिससे आप चावल यूज़ करते हो डेली, मतलब घर में खाना बनाते हो वो करते हो, वही चावलों में आपको लिफाफा रख देना है बस, और रख के आपको भूल जाना है। और उस दिन से आप देखेंगे आप पर कितनी ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, माँ लक्ष्मी बरसने वाली है, उनकी कृपा होने वाली है और पैसों की बारिश होने वाली है। बस इतना छोटा सा इतना सरल उपाय है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको जो मैंने स्टेप बताया स्टेप टू स्टेप वो ध्यान रखना है कि कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आगे पीछे उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना। जैसे मैंने बताया जो मंत्र आप बोला वही आपको करना है, टाइमिंग का आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ों को बहुत आपको अच्छे से करना है और बस उस दिन से ही आपकी किस्मत पलटने वाली है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना सर, मैं ये नहीं बोलूँगा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है उपाय असर ज़रूर करेगा और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाएगी। सो गाइज, और मेरी आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस आ सके और उनकी लाइफ में जो पैसों की दिक्कतें चल रही है, जो कर्जों में बेचारे लोग डूबे हुए हैं, वो कर्जों से निकल सके और जो पैसों की दिक्कत है वो दूर कर सके और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके और उनके फैमिली को वो सुधार सके, अच्छे नया जीवन दे सके और सबके फेस में स्माइल आ सके। एक छोटा सा मकसद है मेरा लाइफ, लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने का। आप वीडियो शेयर करके आप मेरा साथ दे सकते हैं उस मकसद को पूरा करने में बस। और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई ऐसी वीडियो लेकर जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सके या कोई ऐसा उपाय लेकर जो आपकी दिक्कतों को दूर कर सके। चलो आपसे मिलते हैं, जय लक्ष्मी माता।